डाउट सॉल्विंग एंड डिस्कशंस ये ना जेई की प्रिपरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. द थिंग इज कि जब तुमने एक सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किया तब उसके अंदर तुम्हारे कुछ डाउट्स आए, ठीक है, तुमने मल्टीपल अप्रोचेस लगा के वो क्वेश्चन सॉल्व किया, पूरा अच्छे से ट्राई आउट किया उसे, एंड तुमने फिर उसे अपना डाउट मार्क कर दिया. तो वो डाउट लेके तुम लाइक तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, तुम टीचर के पास जा सकते हो या तुम अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो. तो व्हाट आई वुड से कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो. क्यों? क्योंकि फर्स्ट थिंग, जब तुम लाइक सपोज तुम्हारा वो क्वेश्चन नहीं हुआ बट तुम्हारे फ्रेंड का वो क्वेश्चन हो गया, ठीक है, तो तुम्हारे फ्रेंड के साथ थोड़ा तुम्हारा इनफॉर्मल कनेक्शन होता है, तो तुम उसे जाके पूछ सकते हो कि हाँ बताओ, बता दे या कि कैसे किया तुमने सॉल्व, ठीक है. और तुम साथ में अपनी अप्रोचेस बताओगे कि यार देखिए मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया था और मुझसे सॉल्व हुआ नहीं, बताइए इसमें क्या गलती है, ठीक है. एक तो तुम्हारा इससे तुम्हारी अप्रोचेस में क्या गलती थी तुम्हारी वो तुम्हें पता लगता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम वो अप्रोच अगर कभी किसी दूसरे क्वेश्चन के लिए लगाओ तो तुम्हें पता रहे कि तुम्हारी उसमें क्या गलती हो सकती है, ठीक है ना. सेकेंड थिंग, जब तुम जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमने कोई अप्रोच लगाई वो एक्चुअल में गलत है बट उससे हमारा आंसर सही आ गया, ठीक है, बट एक्चुअल में वो अप्रोच तो गलत है, तो दैट मीन्स कि वो अप्रोच हमें क्वेश्चंस में नहीं लगानी है. तो जब हम उस अप्रोच का डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं या फ्रेंड्स के साथ बैठ के, तब तुम्हें पता लगेगा कि अच्छा हाँ यार इसमें ये स्टेप तो गलत कर दिया मैंने, ठीक है, आंसर चाहे सही आ गया बट वो स्टेप हमने गलत कर दिया, दैट मीन्स कि वो अप्रोच गलत है, वो हमें नहीं लगानी है, ठीक है. एंड थर्ड थिंग, जब तुम अपना ये डिस्कस करते हो, एक्चुअली एक्सेप्ट फॉर द फॉर्मूला बेस्ड एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, लाइक जो हम बात करें जेई एडवांस के क्वेश्चंस, जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की, या फिर मल्टीपल कंसेप्ट्स इन्वॉल्विंग क्वेश्चंस की, तो उनमें मतलब तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से रिविजन हो जाती है, क्योंकि तुम्हें एक तो तुम्हें कंसेप्ट रिवाइज हो रहा है, ठीक है, एक तुम्हारा उस कंसेप्ट की एप्लीकेशन तुम्हें समझ आ रही है, और वो भी करेक्ट एप्लीकेशन की, हाँ तुम्हें इस कंसेप्ट को इस तरीके से अप्लाई नहीं करना है, वो नहीं होता, ठीक है. तो इससे तुम्हारा वो चैप्टर जो है ना वो इतने बढ़िया हॉलिस्टिक तरीके से प्रिपेयर हो जाता है कि तुम लाइक उस चैप्टर के कंसेप्ट्स में कभी गलती नहीं करोगे. बट अगर तुम जाते हो सीधा टीचर के पास, तो बहुत बच्चों को होता है कि हाँ हम टीचर के साथ उतना इनफॉर्मली बात नहीं कर पाते हैं जितना हम अपने फ्रेंड्स के साथ कर लेते हैं. तो क्या होता है कि हम अपने टीचर को एक्चुअली जो हमने अप्रोच किए होते हैं कभी कभी तो वो बताते नहीं है, और कभी अगर बताएं तो हम जैसे फ्रेंड को बोलेंगे ना, अरे नहीं यार यहाँ पे तो मैंने ये किया था, अरे हम वैसे वो चीज़ अब टीचर को तो नहीं बोल सकते. और तो क्या होता है कि हम अब टीचर को अपना डाउट ही अच्छे से समझा नहीं पाते हैं, तो वो डाउट कभी क्लियर नहीं हो पाता है, और टीचर हमें एक अप्रोच जिस पे गाइड कर देता है बस हम उस पे चल देते हैं. तो द थिंग इज कि वो क्लियर नहीं हो पाता अच्छे से, एंड तुम्हारे डाउट्स जब तक किस अप्रोच में क्या डाउट है जब तक वो ही क्लियर नहीं होगा, तो तुम क्वेश्चन सॉल्विंग का कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना फिर, क्योंकि तुम्हारा डाउट ही क्लियर नहीं हुआ. तो इसलिए टीचर के पास जाने से पहले अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो. वी हेयर एट ऊंचाई आर ट्राइंग टू बिल्ड योर फ्यूचर एज आईआईटीयंस. वी हेयर हैव वेरी फ्रेंडली मेंटर्स हु कैन हेल्प यू इन सच काइंड ऑफ डाउट सॉल्विंग. यू कैन फ्रीली कॉन्टैक्ट देम व्हेनेवर यू हैव अ डाउट, एंड दे विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट्स एज सून एज पॉसिबल. सो फॉर दैट, फिल अप द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड गेट एनरोल्ड विद अस एंड गेट योर स्ट्रेटजीज करेक्ट.